तारीख थी 5 मई जब हरियाणा के करनाल जिले की पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। आतंकी इनोवा गाड़ी में हाईवे से गुजर रहे थे। गाड़ी से तलाशी में असलहा बारूद बरामद हुआ है। इन चारों आतंकियों के तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन, जिसमें आज हम बात करेंगे बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन के बारे में। बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन को BKI और बब्बर खालसा भी कहा जाता है। बब्बर खालसा भारत में स्थित एक खालिस्तानी संगठन है जो सिख स्वतंत्र राज्य की मांग करती है और इसके लिए लगातार आतंकी गतिविधियों को हवा देती रहती है। इसी के कारण भारतीय और अन्य विदेशी सरकारें बब्बर खालसा को एक आतंकवादी समूह मानता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत सन 1978 में हुई थी। कई सिख निहार कर संप्रदाय के साथ संघर्ष में मारे जाने के बाद यह 1980 के दशक में पंजाब विद्रोह में सक्रिय था, लेकिन 1990 के दशक में कई वरिष्ठ सदस्यों को पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे जाने के बाद इसका प्रभाव घट गया था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनाडा, जर्मनी, भारत और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। 1990 के शुरू में भारतीय सरकार द्वारा सिख आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई क्रमशः खालिस्तान आंदोलन की सरकार की घुसपैठ और विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने बब्बर खालसा को कमजोर कर दिया था, जिसके बाद 1992 में सुखदेव सिंह बब्बर और तलविंदर सिंह परमार की मृत्यु हो गई। परमार की मृत्यु विवादास्पद रही और वर्तमान में हिरासत के दौरान भारतीय पुलिस की गोली से मरने की बात स्वीकार की जाती दिखी। कई जांच में यह भी कहा गया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें पूछताछ के बाद मार डाला था और उसके बयान को नष्ट करने के आदेश दे दिए थे। कनाडा के मीडिया समूह ने यह भी बताया कि परमार उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले पुलिस हिरासत में रहा था। शुरुआती 90 के दशक में हुए असफलताओं के बावजूद बब्बर खालसा आतंकी समूह अभी जमीन के नीचे सक्रिय है। यद्यपि एक बार यह नहीं था कि वर्तमान नेतृत्व में वधावा सिंह बब्बर के साथ रहता है। अक्टूबर 2007 में लुधियाना के शिगार सिनेमा परिसर में बमबारी के लिए पंजाब पुलिस अधिकारियों द्वारा बब्बर खालसा पर संदेह किया गया, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 32 लोग घायल हुए थे। बब्बर खालसा आतंकी समूह के कई आतंकियों की अभी भी कई देशों में सक्रिय होने की खबर सामने आती रहती है। तो यह थी बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन की कहानी। इसी तरह की अन्य सनसनीखेज कहानियों के लिए देखते रहिए क्राइम सीन।